जी आपका नाम? चौधरी नवेद। चौधरी नवेद जी, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में आपको ज्वाइन किया है, किस पद पर किया है? मुझे मुस्तफाबाद ब्लॉक 58 ई का अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का बनाया गया हूँ, जिसके लिए कांग्रेस के सभी सम्मानित नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। इस पार्टी में आप कब से काम कर रहे हैं? पार्टी के लिए कितने तन मन धन से काम करेंगे आप? पूरे जान मान से। जनता का सहयोग कितना है आपके साथ? काफी सहयोग है जी, उसी सहयोग की वजह से मैं अध्यक्ष चुना गया। उसी सहयोग की वजह से अध्यक्ष। अभी जैसे कि चल रहा है ये केजी सरकार ने जगह जगह शराब के ठेके खोले गए हैं, इसमें आप जनता को क्या कहेंगे? केजी सरकार को क्या दोषी ठहराएंगे इसके लिए? तो ये देखिए, अभी सभी नाखिलाफ़ हैं अभी, और हम चाह भी नहीं रहे कि ये खुले यहाँ पर। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, सारे के सारे जितने हमारे यूथ सारे लड़के हैं वो सब हम लड़ाई कर रहे हैं इसके। जनता ने केजरीवाल सरकार को सर आंखों में बिठा के फुल बहुमत से जिता करके सत्ता में लाई, का सरकार बनी, और जनता के लिए केजरीवाल सरकार जुल्म कर रही है या अच्छाई कर रही है? सबसे ज़्यादा इस चीज़ को देख करके केजरीवाल से अब मन हट चुका है पब्लिक का काफ़ी, इसी चक्कर में कांग्रेस को वो लाना चाह रही है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोचा था कि पब्लिक के अंदर के शराब के ठेके खोलना या कुछ भी परेशानी, ऐसी कभी कांग्रेस की स्थिति नहीं बनी। कांग्रेस ने शीला के टाइम पे बहुत अच्छे काम किए जी, जनता का दिल जीता, तो जनता अब दोबारा से कांग्रेस को लाना चाहिए जी? बिल्कुल चाह रही है जी। आपका नाम? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान जी, ये बताइए, केजरीवाल सरकार यहाँ पर शराब के ठेके खुलवा रही है, यहाँ क्या पूरी दिल्ली में जगह जगह जी जी हर विधानसभा में जी, इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये जो भाई शराब के ठेके खुल रहे हैं जगह जगह, पहले थे सरकारी, अब प्राइवेट कर दिए, और इस प्राइवेट के लिए जब ये सरकारी थे, अब सरकारी से हटकर अब ये प्राइवेट कर लिए, और प्राइवेट तो जहाँ दिल करेगा वो इंसान वो खुल लेगा, ठीक है? जहाँ दिल करेगा ऐसे थोड़ी खोलेगा, नहीं, जब प्राइवेट जो अनुमति मिलेगी, अनुमति मिलेगी हाँ, लेकिन वो जहाँ सोचेगा यहाँ खोलनी तो वहीं तो खुलेगी हाँ। मार्केट में जाएगा मार्केट में खुल जाएगी, लेकिन शराब जो है ये एक बहुत बड़ी बुराई की जड़ है, और जिस चीज को हमारे श्रेष्ठ कायनात का जो मालिक है हमारा रब, उसे अरबी में अल्लाह भी कहते हैं, और संस्कृत में उसको राम भी कहते हैं, और हिंदी में ईश्वर परमेश्वर भी कहते हैं, उसमें साफ लिखा कुरान के अंदर आपके लिए हराम है शराब, जुआ, पाश खेलना, और ऋग्वेद में भी आता है कि आपके लिए हराम है शराब, जुआ, पाश खेलना, आप इनसे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। जिस चीज को मेरे रब ने मना किया और इस चीज को हम करें, हम इंसान लोग करें, तो कितनी बड़ी बुराई की जड़ फैलेगी समाज के अंदर। हर इंसान शराब से नफरत करता, शराब घर के घर को बर्बाद कर देती, नहीं आबाद नहीं होता इंसान शराब पी के, वो अपनी धुन में कुछ नहीं पता लगता ये छोटा या बड़ा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये शराब के ठेके जहाँ थे जिस तरीके से चल रहे थे वैसे चलते रहे। जनाब आपका नाम? मेरा नाम नईम कसार। नईम कसार जी, जैसे आपके चौधरी नवीद जी को कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष पद से नवाजा है या नवाजने की अभी लेटर मिलने वाला है, बाकी मन बन चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है, इसके लिए क्या मुबारकबाद देंगे? चौधरी नवीद जी के साथ हम पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं, और इंशाल्लाह जब तक ये मेहनत करेंगे हम इनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चल। तो हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो विकास की लहर पहले थी, जनता चाह रही है कि हमारी कांग्रेस पार्टी वापस आ जाए।